हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जो है कुकिंग वीडियो, और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। सो इसके लिए मैंने रात को ही छोले को फूलने के लिए डाल दिया था पानी में, और अभी मैं इसको कुकर में कम से कम 5 से 6 सीटी लगाने वाली हूँ, जिसमें मैंने ऐड किया है हल्दी, नमक, और अपने अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करो क्योंकि बाद में भी ऐड करना है। फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारे गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिया था। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और 5 से 6 सीटी लगा के ये हो जाएगा रेडी। भटूरे की तैयारी मैं करने लग गई हूँ, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है। ये 3 कप मैदा है, और मैंने आज इसमें आटा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैदे का बनाया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी शुगर ऐड किया है, मतलब समझ लो आप 3-4 चुटकी शुगर। देन अभी मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और मैं इसको दही से ही गूनूंगी। ये मेरा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है भटूरे का, और इसको ना बहुत सॉफ्ट गुनना है ना बहुत हार्ड गुनना है। अभी हम छोले का मसाला तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी इमली ली है, लहसुन अदरक लिया है और लाल मिर्च ऐड किया है और सबको पीस लिया है। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा का तड़का डाला है। देन हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और जो मसाला हमने पीस के रखा है वो ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा प्याज डालेंगे, प्याज आप चाहो तो मसाले के साथ भी पीस सकते हो, बट मैं नहीं पीसती हूँ क्योंकि अगर पीसा हुआ प्याज रहता है तो उसको भुनने में काफ़ी टाइम और ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये जो मैंने मसाला पीसा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी मसाले में मैं कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और मसाले को अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो ये मेरा मसाला ऑलमोस्ट हो गया डन। अभी मैं इसमें छोले मसाले ऐड कर रही हूँ, और छोले मसाले ऐड करने से भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से मसाला जो हमारा है वो भुन गया है। इसमें जो काबुली चना हमने बॉईल करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इससे गरम मसाला नहीं निकाला, आप चाहे तो गरम मसाला निकाल के इसमें ऐड करें। चलिए, ये हमारा छोले हो गया है बिल्कुल रेडी, और बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी लगा था ये। मैं कुछ टाइम से इसमें मैं इमली पीसती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद भी आप टमाटर डालें, मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, टमाटर की जगह मैं इमली डालती हूँ। तो चलिए अभी हम भटूरे बनाते हैं। ये हमारा भटूरा बिल्कुल फुला फुला सा बना है, बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी बना है। आप जब
भटूरे का आटा जब भी आप गुने तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटा उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, ताकि जब आप बनाएंगे 3 to 4 hours के बाद तो वो भटूरा बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, उसमें खट्टापन आता है और फूलता भी बहुत अच्छा है। ये मैं यहाँ पे खाना परोस रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले छोले डाले हैं, और छोले और भटूरे दोनों ही यकीन माने बहुत ही यम्मी बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो रेसिपी है, ये बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।